नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों रणभूमि मैथ में। दोस्तों आज का जो ये मेरा वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री पर, ये आज एक मैं ऐसा धांसू वीडियो बनाकर लाया हूं दोस्तों कि बहुत सारे बच्चे आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी के एग्जाम में फंसते हैं मैथ के इस टॉपिक पर। और आज ये टॉपिक मैं सिर्फ 3 आसान स्टेप से चुटकियों में सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों आइए उसे समझने के लिए मैं पहले कुछ बेसिक्स आपको समझा देता हूं। दोस्तों क्वेश्चन हमारा इस तरीके का रहता है एग्जाम में, जैसे आपको कह दिया जाएगा कॉस 1050 डिग्री का मान बताएं, या दे देगा सेक 720 डिग्री का मान बताएं, साइन 1170 डिग्री का मान बताएं। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और हम ही तो दोस्तों 0 से लेकर 90 डिग्री का ही ना वैल्यू पता है। तो इतने बड़े एंगल जब आएंगे दोस्तों, या माइनस में आएंगे यानी नेगेटिव एंगल जब आएंगे, तो हम क्या करेंगे दोस्तों? तो इस तरीके के क्वेश्चन में बहुधा बच्चे फंस जाते हैं। तो बच्चों आज मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, बहुत ही सिंपल छोटा सा वीडियो है, 8-9 टाइप के वैरायटी के आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा और इस क्वेश्चन में आपको सारा का सारा ज्ञान दे दूंगा। तो आइए सीधी बात, नो बकवास। देखिए दोस्तों सबसे पहले आइए हम समझते हैं कि ये क्वाड्रेंट क्या चीज होता है। क्वाड्रेंट का मतलब होता है दोस्तों चतुर्थांश। क्वाड्रेंट यानी देखिए, ये इसे मैं कह सकता हूं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए 360 डिग्री, अगर मैं इसे एक सर्कल बना दूं, ऐसे ध्यान से देखिए, तो ये देखिए एक सर्कल जब बनता है तो टोटल 360 डिग्री होता है ना बच्चों। तो देखिए 360 डिग्री को अगर मैं 4 भागों में बांटूं, उसे ही कहते हैं हम क्वाड्रेंट या चतुर्थांश। अब देखिए दोस्तों, ये जब मैंने एक सर्कल को 4 भागों में बांट दिया, तो ये देखिए ये आपका हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे हम कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आया? अब इसमें कुछ मुख्य बातें हैं दोस्तों जो आपको याद रखनी है, कि सिंपल स्टेप है दोस्तों। फर्स्ट क्वाड्रेंट में याद रखिएगा ए फॉर ऑल पॉजिटिव, यानी साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हैं वो सभी क्या होंगे दोस्तों, क्वाड्रेंट वन में सभी पॉजिटिव होंगे, ये आपको याद रखना है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, देखो साइन होगा, ऐसे याद रखना दोस्तों, ऑल साइन, यहां हम बोलेंगे टेन और यहां, बस इतनी सी बात याद रखनी है। एंटी क्लॉकवाइज याद रखिएगा, घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में हमें जाना है तो एंगल बढ़ते जाएंगे, और अगर हम क्लॉकवाइज जाएंगे इस तरफ ऐसे, तो एंगल घटते जाएंगे, इधर घटते जाएंगे और इधर बढ़ते जाएंगे। क्लियर? अब देखिए दोस्तों इसमें क्या करना है माफ कीजिएगा, देखो मेरे दोस्तों आपको करना क्या है, देखिए पहले क्वाड्रेंट में मैंने बोला ऑल, फिर बोला सेकंड में साइन, थर्ड में टेन, फोर्थ में कॉस, ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस, बस आपको ये याद रखना है। साइन का कंजुगेट क्या होता है दोस्तों, उल्टा कोसेक होता है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा, बाकी सभी निगेटिव होंगे। टेन में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होगा तो इसका जो कंजुगेट होगा वो कॉट कॉट थीटा या कॉट कुछ भी बोल दे तो कॉट भी पॉजिटिव होगा, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो आपको बच्चों मैंने बताया ना, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि ऑल साइन टेन कॉस, बाकी साइन टेन और कॉस का तो कंजुगेट आपको याद है ही, कॉम्प्लीमेंट्री, तो साइन का कोसेक हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा और कॉस का सेक हो जाएगा। तो ये तो हुआ आपको बेसिक ज्ञान जो आपको जानना जरूरी है। उसके बाद कैसे एंगल बनाएंगे वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ कराता जाऊंगा। देखिए दोस्तों उसके बाद क्या है, ये 3 सिंपल स्टेप हैं दोस्तों, इसे अच्छे से समझिए, इसी में पूरा ज्ञान छिपा हुआ है। स्टेप नंबर 1 में क्या मैंने बताया, देखिए जो भी एंगल रहेगा अल्फा यानी कि एंगल, उसे हमें 90 गुना 1 2 3 4 5 यानी एन प्लस माइनस थीटा के रूप में लिखना है। क्लियर है? जब देखेंगे कि जितने 90 के जितने घर हम गुना में जा रहे हैं, अगर वो ऑड है, एन इज ऑड, अगर ऑड है तो आपको क्या करना होगा, ऑड यानी एन का मान लो 90 गुना 3 मैंने लिखा, तो 3 यहां पर ऑड है ना दोस्तों, तो जब एन का मान ऑड रहेगा तो आपको क्या करना है, अगर साइन दिया हुआ तो कॉस में बदल जाएगा, और अगर कॉस दिया है तो बच्चों साइन में बदल जाएगा। फिर देखो 10 किस में बदलेगा, कॉट में बदलेगा, तो कॉट 10 में बदलेगा, सेक कोसेक में बदलेगा तो कोसेक सेक में बदलेगा, बस आपको ये याद रखना है। साइन कॉस में बदलता है तो कॉस साइन में,
टेन कॉट में बदलता है बच्चों, तो कॉट टेन में बदलता है, सेक कोसेक में बदलता है तो कोसेक सेक में बदलेगा। ये तो हुआ हमारा स्टेप नंबर वन। ऐसे हमें पहले 90 इंटू 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी प्लस माइनस थीटा के रूप में हमें इस एंगल को तोड़ लेना है, वो मैं भी आपको सिखाऊंगा। ये हो गया स्टेप वन। स्टेप टू में क्या करना है, जो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा उस एंगल को देखो, फाइंड द क्वाड्रेंट, मतलब इन चार घरों में चार चतुर्थ, ये जो चतुर्थांश दिए गए हैं, चतुर्थांश यानी चौथा अंश, एक सर्कल को चार भागों में जो हमने बांटा वो किस घर में आ रहा है। स्टेप टू में फाइंड द क्वाड्रेंट, तो जैसे ही क्वाड्रेंट आपको पता चल जाएगा उसके बाद स्टेप थ्री क्या है, फाइंड द साइन, यानी आपको साइन ज्ञात कर लेना है। बस हो गया दोस्तों, सॉल्व हो जाएगा। और आपको समझाने के लिए, आसानी के लिए देखिए, यहां मैंने 90 का पहाड़ा लिख दिया है दोस्तों। 90 गुना एक रहेगा तो 90 डिग्री, 180 डिग्री रहेगा तो 90 गुना दो लिखेंगे, 270 है तो 90 गुना तीन, 4 से 90 में गुणा किया तो 360, ऐसे करके देखिए मैंने पूरा 14 तक पहाड़ा लिखा है। मतलब इतने दूर में आपको एग्जाम में काफी है, अगर इससे ज्यादा भी आएंगे तो आप तो मल्टीप्लाई करके बना ही सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो ये तो देखिए था मेरा बेसिक सा स्टेप दोस्तों। अब आइए मैं आपको कुछ एक छोटे छोटे से क्वेश्चंस करा करके बताता हूं कि इसे मैं कैसे सॉल्व करूंगा। बिल्कुल दोस्तों, फॉर्मूला आपके सामने है, स्टेप आपके सामने है, मैं बस आपको सिंपली इसे सॉल्व करके बताऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर अच्छा लगे, आपको फायदा लगे तो जरूर इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए दोस्तों, जैसे देख लो, मैं क्वेश्चन नंबर वन ले लेता हूं। अगर मैं बोलूं साइन 210 डिग्री का मान ज्ञात करें, कितना मैंने कहा दोस्तों, साइन 210 डिग्री का मान आपसे पूछा। अब देखिए दोस्तों, साइन 210 डिग्री का मैंने आपसे जो मान निकालने के लिए कहा, देखो मैं कैसे सिंपल से स्टेप में इसे सॉल्व करूंगा। बस ये तीन आसान से स्टेप, सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है स्टेप नंबर वन। देखिए दोस्तों, आपको क्या करना, यहां देखो एंगल क्या है, अल्फा यानी कि एंगल है यहां 210 डिग्री। तो बच्चों आप क्या करोगे, ये 210 डिग्री को 90 के गुणनखंड गुणनफल के रूप में ऐसे लिखो कि जिससे कुछ जोड़ के या घटा करके 210 डिग्री आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, देखो मैंने यहां पहाड़ा भी लिख दिया, देखो 90 दुना 180, चलो मैं लिख देता हूं 90 दुना 180, तो 180 हो गया और मुझे कितना चाहिए, 30 डिग्री चाहिए, तो मैं इसे +30 यहां लिख सकता हूं। क्लियर है? देखो बच्चों, सेट हो गया हमारा इस रूप में। अब आपको देखना क्या है, मान लीजिए जैसे 210 डिग्री है तो मैंने लिखा साइन 90 गुना 2 प्लस 30, तो 9 दुनी 18, 180 और 30 210। क्लियर है दोस्तों यहां तक? अब देखो ये हो गया क्या, 90 इंटू एन प्लस थीटा, तो ये एन के इक्विवेलेंट है। देखो ये एन मैं मान लेता हूं कि, तो एन के जगह यहां कितना है, 2। तो पहले ये देखो बच्चों, 2 जो आ रहा है, एन बराबर 2, ये क्या है, तो देखो भैया ये एन क्या है, इवन है, तो जब इवन रहेगा तो नो चेंज। देखो भैया बस यही याद रखना है, ये एन बराबर इवन, इवन माने सम संख्या, 2 से कटने वाली संख्या, और ऑड मतलब 2 से न कटने वाली संख्या, बेजोड़ संख्या है, जैसे 1, 3, 5, 7 ऐसे। तो देखो भैया यहां एन बराबर 2 है, यानी सम है, इवन है, तो हमें नो चेंज करना है, यानी साइन का साइन ही रहेगा और इसमें चेंजेस नहीं करना है। तो देखो मैं इसे आसानी, और ये वाला जब पोर्शन क्या है आपका कट जाएगा, तो क्या ये पूरा पोर्शन कट जाएगा, तो क्या बचेगा दोस्तों, आप सीधा बोलेंगे साइन 30। तो देखो यहां मैंने लिख दिया साइन 30। क्लियर है दोस्तों? तो देखो स्टेप वन हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या है, स्टेप टू, फाइंड द क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले देखो मेरे बच्चों, ये बताओ कि फाइंड द क्वाड्रेंट यानी हमें ये देखना है कि ये जो साइन 210 डिग्री है ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। क्लियर? तो देखो इसके लिए मैं आपको एक जबरदस्त, बहुत सारे तरीके हैं मगर मैं आपको एक जबरदस्त तरीका बताऊंगा। देखो यहां सिंपल ना भैया, क्या करना, 90 का पहाड़ा देखो कितने बार है, 2 बार पढ़ा गया, तो पहले पढ़ लो। हमेशा शुरू करोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट से, ध्यान दीजिएगा मेरे हाथों पर, ध्यान दीजिएगा। तो 90 गुना 2 है, यानी देखो ना भैया ये सभी घर तो 90-90 के हैं, तभी तो 9 चौके 36, 360 हो रहे हैं। तो चलिए यहां 2 दिया है, मैं हमेशा ऑल से शुरू करूंगा, तो 1, 2, यानी कि देखिए बच्चों हमारा यहां पर कहां आ गया, ये दूसरे क्वाड्रेंट में आ गया। अब हम यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, देखिए 1, 2 दूसरे क्वाड्रेंट में आ गया हमारा ये मान, तो उसके बाद देखो क्या है, 180 हो गया। उसके बाद देखो 30 डिग्री, तो 180 देखो यहां तक है ना, तो 30 डिग्री यानी क्या, इस क्वाड्रेंट में कहीं नहीं, यहां पर इस प्रकार से कुछ आएगा, यानी कि किस घर में आ गया, तीसरे घर में आ गया, यानी कि तीसरे क्वाड्रेंट में आ गया। तो देखो हमने क्वाड्रेंट निकाल लिया है ना, फाइंड द क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट हमने निकाल लिया कि तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या है, फाइंड द साइन, यानी बच्चों हमें साइन निकालना है कि इसका साइन क्या होगा। तो सबसे पहले देखो भैया, तीसरे क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है,
10 और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। क्या कहा मैंने? 10 और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। तो भैया ये तो साइन है, तो ये तो 10 और कॉट नहीं है, तो ये साइन है, यानी कि ये क्या, तीसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। आ गया बात समझ में दोस्तों? नेगेटिव होगा तो मैं इसे लिख दूंगा माइनस साइन 30। अब माइनस साइन 30 का मान आपको पता होता है दोस्तों कितना होता है? 1/2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? देखिए कितनी आसानी से हमने इसे सॉल्व कर लिया, बिना कोई मेहनत के, बिना किसी कोई कठिनाई के। देखिए कितनी आसानी से हमने इसे सॉल्व कर लिया। मैं आशा करता हूं कि आपको ये स्टेप समझ में आया होगा। घबराइए नहीं दोस्तों, चिंता मत करिए, मैं हूं अभी अभी, मैं आपको और भी इतने ज्यादा मैथ कराऊंगा ताकि आपको इस पर जितने भी डाउट्स हैं सभी धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। बस वीडियो में दोस्तों शुरू से अंत तक बने रहना। आइए दोस्तों, चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूं। जैसे ये मैंने बता दिया, जिनको समझ में आया होगा वेरी गुड, जिनको नहीं समझ में आया होगा तो उनको अभी फिर से मैं दूसरे क्वेश्चन में समझा दूंगा। आइए चलिए मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं। जैसे मैं बोलूं, मान लीजिए मैं ले लेता हूं 10 300, बिल्कुल छोटे से बड़े एंगल तक जाऊंगा दोस्तों, घबराइए नहीं, हर एंगल पे चर्चा करूंगा। तो देखिए 10 300 का मैंने आपसे मान पूछा है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले देखो स्टेप नंबर 1 की इसे इस एंगल के रूप में लिखना, 90 के गुणनफल प्लस थीटा या माइनस थीटा के रूप में। तो भैया 300 को पहले 90 का पहाड़ा पढ़ो ना, देखो यहां मैंने लिख दिया 90 * 270, तो तीन बार में मैंने ले लिया 270। अब बोलो 300 लाना है, 9 * 3 = 27, 270 हो रहा, तो 30 रुपए और दे दूंगा, तो देखो 300 हो गया। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गया? अब देखिए दोस्तों, हमने इसे लिख दिया। अब दूसरा स्टेप क्या होगा दोस्तों कि देखना है हमें इसी में, अभी अभी हमने पहले स्टेप में ही देखना है कि ये ऑड है या इवन। तो देखो 3 है ना, बेजोड़ है यानी ऑड है। तो देखो जब ऑड रहेगा n, तो मैंने क्या कहा, 10 किस में बदलेगा? तो 10 बदलेगा कॉट में, तो यहां मैं लिख दूंगा इसे कॉट 30 डिग्री। बोलो दोस्तों, और ये वाला पोर्शन जो है आपका पूरा डिलीट हो जाएगा, सिर्फ 10 और वो थीटा यानी कि एंगल रहेगा, बाकी ये 90 का गुणनफल जो रहेगा उसे हम हटा देंगे। क्लियर है दोस्तों? तो ये देखो हो गया कॉट 30। तो स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया, चेंज कर लिया, बस स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 2 में क्या, फाइंड द क्वाड्रेंट, मतलब कि ये जो 10 300 दिया है इसे देखो किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो भैया देखो यही देखो ना, ये 0 डिग्री है, ये 90, ये 180, यहाँ तक 270। अब 270 से आगे ही ना जाएंगे तो 300 आएगा, यानी कि चौथे क्वाड्रेंट में हमारा आएगा। जब आपको 360 से कम एंगल रहेगा तो आप इसे ऐसे ही बना सकते हैं, मगर मैं आपको गिनना इसलिए सिखा रहा हूं कि जब देखो 1150 1170 1000 से ऊपर, 90 से ऊपर, 900 से ऊपर जब आपको एंगल रहेंगे, तब आप दोस्तों इसे इस तरीके से गिनने से अच्छा है कि मैं जिस तरीके से गिन रहा हूं उसे देखिए। देखो यहां 3 है, तो पहले 3 बार गिनो, ऑल से शुरू करना, 1 2 3। तो देखो भैया थर्ड क्वाड्रेंट आया 3, तो 3 कितना है, 270 हो गया। उसके बाद 30 डिग्री और जाना है, यानी कि यहां तक तो पूरा 3 आपका हो गया 270 तीन बार में, 1 2 3 तीन बार में हो गया। उसके बाद 30 डिग्री और जाएंगे तो यहां कहीं एंगल हमारा बढ़ेगा, यानी कि किस क्वाड्रेंट में आ गया दोस्तों? देखो चौथे क्वाड्रेंट में आ गया। तो देखो फाइंड द क्वाड्रेंट, हमने क्वाड्रेंट ज्ञात कर लिया। अब आपको देखना है कि इस चौथे क्वाड्रेंट में कि साइन क्या होगा। तो साइन कैसे निकालेंगे? देखो अगर कॉस और सेक रहेगा तो पॉजिटिव होगा, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। क्लियर है दोस्तों? क्या कहा, चौथे क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। तो देखो यहां कॉट दिया है ना भैया, जब ये कॉट दिया है यानी कि कॉस और सेक तो नहीं है, तो यानी कि क्या होगा, इसका मान नेगेटिव होगा। तो मैं यहां माइनस का साइन लगा दिया। देखो दोस्तों हो गया माइनस, और कॉट 30 का मान आपको पता है 10 30 होता है 1/√3, तो कॉट उसका उल्टा यानी कि √3। तो ये आपका आंसर हो गया -√3। देखो दोस्तों आ गया समझ में? बहुत बेसिक बता रहा हूं दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से देखो इसे, अच्छे से समझो। 2 क्वेश्चन करा दिया मैंने, बिल्कुल आसानी से हमने कर लिया। आइए एक क्वेश्चन मैं आपको और सॉल्व कराता हूं। सभी दोस्तों देखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे दोस्तों, इसलिए अच्छे से वीडियो को देख करके जरूर समझने का प्रयास करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में मैं ले लेता हूं कॉस, अगर मैं बोलूं कॉस 150 डिग्री का मान बताइए, तो भैया आप क्या करोगे?
कॉस 150 है, तो देखो मैं फिर से वही करूंगा, कॉस लिख लिया, अब मैं थोड़ा स्पीड करता हूं दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो 90 एक कम 90 भी ले सकता हूं और 60 भी ले सकता हूं, या चलो एक माइनस करके मैं आपको दिखाता हूं, 9 दुनी 18 180 तो यही हो गए, हमें चाहिए 150, तो 180 में से भैया अगर 30 में घटा दूँ तो देखो 150 हो जाएगा। आप जोड़ के भी बना सकते हैं, घटा के भी बना सकते हैं, क्लियर है दोस्तों। तो देखिए ये हो गया आपका क्वेश्चन का स्टेप वन। अब स्टेप वन में ही हमें देखना है कि ये जो n है, ये जो पोर्शन है 90 में जो हमने गुणा किया 1 2 3 4 से, वो ऑड है या इवन। तो देखो ये इवन है, तो इवन में मैंने बताया इफ n इज इवन देन नो चेंज, अगर n एक सम संख्या है तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी cos cos ही रह जाएगा और ये वाला पोर्शन देखो आपका डिलीट हो जाएगा, तो बच गया क्या cos 30। क्लियर है दोस्तों। अब दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, फाइंड द क्वाड्रेंट। तो देखो कॉस 150 डिग्री कहाँ आएगा, तो देखो भैया दो घर है तो दो बार गिनो, एक दो, तो दो में तो देखो 180 हो गया, मगर माइनस 30 है माने इससे 30 डिग्री कम, तो 30 डिग्री कम तो यानी सेकंड क्वाड्रेंट में ही ना रहेगा दोस्तों। तो देखो भैया सेकंड क्वाड्रेंट हमें मिल गया, तो 150 डिग्री क्या है, ये देखो ये यहाँ तक 90 था, यहाँ तक 180 है, यानी 90 से 180 के बीच में ही ना कहीं पर 150 होगा, यानी कि भैया वो एंगल हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में ही रह गया। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। तो देखो ये साइन और कॉसेक तो नहीं है भैया, कॉस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी दोस्तों, तो देखो माइनस कॉस 30 का मान क्या होता है दोस्तों, √3/2। तो देखो यहां हमने बैठा दिया, ये आपका आंसर हो गया। आ गया दोस्तों समझ में, मजा आ रहा है ना, बिल्कुल मजा आएगा दोस्तों, बस वीडियो में बिल्कुल शुरू से अंत तक बने रहना, आपको बिल्कुल मजा आएगा। अब आइए दोस्तों, अब थोड़े बड़े एंगल की तरफ हम बढ़ते हैं, जिससे थोड़ा बनाने में हमें दिक्कत आए तो मैं उसमें भी आपको समझाऊंगा कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा दोस्तों, बस इसी तरह से देखते जाइए, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगर मैं बोलूँ साइन 600 डिग्री का मान बताइए, तो देखो भैया साइन 600 डिग्री क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, सबसे पहले साइन 600 डिग्री है, तो चलो मैं इसे तोड़ता हूँ, तो 9 × 6 = 54। देखो 600 के करीब कौन है, या तो 540 ले लो या 630 लेके माइनस कर दो, जो तुम्हारी इच्छा। तो देखो 9 × 6 = 54, 540 डिग्री हो गया, और मैं अगर उसे 60 डिग्री दे दूँ तो 600 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा है। अब देखो थोड़ा सा स्पीड, ये कितना घर है, 6 घर, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में मैं आ गया। उसके बाद देखो क्या है, 60 डिग्री और है, तो 60 डिग्री और जाएंगे, यानी कि हम तीसरे यहाँ इस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। इस क्वाड्रेंट में देखो भैया क्या है, इस क्वाड्रेंट तीसरे में केवल टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। तो भैया क्या करेंगे हम, सबसे पहले साइन 60 हम ऐसे लिख देंगे, नो चेंज, देखो इवन है तो नो चेंज, अच्छा साइन साइन ही रह जाएगा, और छठे घर के बाद 60 डिग्री बढ़ेंगे, यानी कि हम इस थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सभी नेगेटिव, तो यहाँ माइनस 60 कर देंगे, नेगेटिव होगा इसलिए माइनस कर दिया। क्लियर है दोस्तों, उसके बाद बस इसकी वैल्यू बैठा दो, माइनस साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। तो देखो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है दोस्तों, देखिए 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। जो टाइम लगता है दोस्तों बेसिक कंसेप्ट को समझने में, अगर आपके पास कंसेप्ट है तो कंसेप्ट से आप किसी भी क्वेश्चन को एग्जाम में उड़ा सकते हैं दोस्तों, बिकॉज कंसेप्ट इज पावर, कंसेप्ट इज एवरीथिंग। तो आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए काफी अच्छे से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, तो इसे अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए मैं एक और आपको बनाकर दिखाता हूं, उसके बाद फिर मैं नेगेटिव एंगल की तरफ चलता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 5 चलिए मैं एक ले लेता हूं। अगर मैं बोलूं कि sec 960 डिग्री का मान बताइए, sec 960 डिग्री का, तो हम अब इसे क्या करेंगे दोस्तों, तो आइए बस वही तो करना है। sec ले लिया, 960 डिग्री देखिए किसके नज़दीक है, तो मैं ले लेता हूं 90 × 10 + 60। देखो 90 डिग्री को 10 से गुणा कर दिया, 900 हो गए, और 60 ऐड कर दिया, 960। अब देखो ये n क्या है भैया, n है आपका इवन, इवन यानी दो से कटने वाला, यानी नो चेंज, यानी कि sec sec ही रहेगा, और मैं यहाँ sec 60 डिग्री लिख दिया। तो स्टेप वन हमारा कंप्लीट हो गया, स्टेप टू फाइंड द क्वाड्रेंट। तो ये भैया ये इसे देखो कि जो सवाल है वो देखो, ये किस एंगल, ये जो एंगल ये किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो sec 960 तो देखो 10 बार हमें गिनना है, तो देखो मैं यहाँ से काउंटिंग शुरू कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया ना भैया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो उसके
बाद क्या 60 डिग्री और है, देखो प्लस 60, तो जैसे ही यहां पर मेरा कंप्लीट होता है 10 यानी 900 डिग्री, तो 60 डिग्री तो फिर इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो जैसे ही इस क्वाड्रेंट में आएंगे तो देखो 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, यानी कि यहां मैं लिख दूंगा माइनस सेक 60 डिग्री, ये माइनस हो जाएगा। मैं यही कर देता हूं, एक लाइन झूठ मूठ का बढ़ा के कोई फायदा नहीं है। तो माइनस सेक 60 मैंने लिख दिया। अब देखो माइनस तो माइनस है, sec 60 का मान क्या होता है, तो cos याद करो, cos 60 का मान 1 बाई 2 होता है, तो sec 60 उसका उल्टा होगा, 2 बाई 1 होगा, यानी 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। देखिए कितने आसानी से हमने इसे सॉल्व कर लिया। क्लियर है दोस्तों, मजा आ रहा है ना? बस ऐसे क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी टायर 2 और आपको एसएससी के एग्जाम में पक्का है मिलेगा ही दोस्तों। और इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे तरीके हैं मगर लोगों को समझ नहीं आता, और मैं दावा करता हूं कि इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा, ये घर गिन के बनाने वाला। कैसा भी सवाल रहेगा आप सीख जाएंगे दोस्तों, बना लेंगे। तो आइए मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर और आपको इसे और अच्छे से समझाता हूं। अब हम बात करेंगे दोस्तों नेगेटिव एंगल की। तो चलिए मैं यहां ले लेता हूं, मैं यहां एक एंगल ले लिया, मान लो माइनस कॉस 480 डिग्री ले लो, और आपसे पूछा गया है इसका मान बताइए। तो दोस्तों याद रखना, जब भी आपको cos, sin, tan, cosec, sec, cot कुछ भी रहे और एंगल अगर माइनस में दिया रहे, तो बस ये एक बात याद रखना कि cos के बाद अगर एंगल माइनस में रहे तो वो प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि cos माइनस थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos थीटा। अगर मैं बोलूँ साइन माइनस थीटा है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो पहले ही लिख देंगे माइनस साइन थीटा। अगर मैं बोलूँ टेन माइनस थीटा है तो आप कह सकते हैं माइनस टेन थीटा। तो देखो तीनों को ध्यान से देखो, सभी का एंगल माइनस था मगर केवल कॉस में ही वो माइनस एंगल भी प्लस हो गया, बाकी सभी में वो क्या है, नेगेटिव का नेगेटिव ही रहेगा, बस माइनस नेगेटिव का साइन पहले ला देना। क्लियर है दोस्तों? चलिए एक कंसेप्ट और सीख गए, बस इस कंसेप्ट का हम लोग को उपयोग करना है यहाँ पर, और बाकी पहले वाला तीन स्टेप। तो देखिए cos माइनस 480 डिग्री को मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, मैं इसे लिख दूंगा cos 480 डिग्री, क्योंकि cos के अंदर में माइनस प्लस में बदल जाता है। क्लियर है? तो ये हो गया। अब इसके बाद बस कुछ नहीं, पहले वाला जो बेसिक तीन स्टेप cos, इसे मैं लिख लेता हूँ 9 × 5 = 45, 430, और उसमें 30 एंगल जोड़ दो। देखो सबसे पहले ये क्या है, 5 है, एन क्या है, ऑड है, ऑड है यानी कि चेंजेस होंगे। तो क्या होंगे चेंजेस भैया, कॉस है तो कॉस किस में बदलेगा दोस्तों, साइन में बदल जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं साइन 30 डिग्री। उसके बाद देखो 5 घर है तो क्या होगा, इसमें प्लस होगा कि माइनस होगा, इसको अब हमें क्वाड्रेंट देखना है। तो कॉस 480 डिग्री को पहले देख लो भैया कहां जाएगा, 5 है तो 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 घर में आ गया हमारा, 9 × 5 = 450 डिग्री हो गया 5 घर में यहां पर। क्लियर है? उसके बाद क्या, +30 + 30 यानी सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग इन कर गए। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है दोस्तों, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। क्या पॉजिटिव होता है दोस्तों, साइन और कोसेक। तो देखो साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है मगर सवाल में आपका कॉस दिया है मेरे भाई, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है लेकिन सवाल में आपका कॉस दिया है मेरे भाई, तो जब कॉस दिया है तो यानी कि ये नेगेटिव होगा, तो मैं यहां माइनस का साइन लगा देता हूं। अब यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस साइन 30 का, साइन 30 का मान आपको पता है क्या होता है दोस्तों, 1/2 होता है। क्लियर है दोस्तों? तो देखिए यहां से कितनी आसानी से हमने इसकी वैल्यू निकाल लिया। तो देखिए दोस्तों अब यहां से आप काफी आसानी से कर सकते हैं, समझ में आ रहा है? तो देखिए दोस्तों अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, चलिए एक और हम लोग माइनस वाला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या है इसमें, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। तो आइए हम लोग इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं माइनस वाला। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में अगर ले लेता हूं दोस्तों, और मैं अगर लिख दूं कि साइन -1, 1, 2, 5 डिग्री का मान बताइए। चलिए देखिए दोस्तों मैं एक क्वेश्चन और ले लिया साइन -1, 1, 2, 5 डिग्री का। तो अब क्या करोगे मेरे बच्चों, इसे कुछ भी नहीं करना है। देखिए यहां पर क्या कर लेंगे, साइन है माइनस तो माइनस, अभी मैंने बताया ना साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर ले लो, हो गया साइन 1, 1, 2, 5 डिग्री। अब भैया ये क्या करेंगे, माइनस को माइनस में रहने दो, इसे देखो मैं कह सकता हूं साइन 90 गुना, देखो 11, 9, 12, 9, 108 माने 1080 डिग्री, 1080 में कितना जोड़ोगे तो 1125 हो जाएगा, 45 डिग्री। क्लियर है दोस्तों? तो आइए मैं इसे 12 से गुणा कर देता हूं और उसके बाद आपको
45 डिग्री ऐड कर देता हूँ। बस ये जो पोर्शन है ना दोस्तों, ये प्रैक्टिस करने से आपको याद हो जाएगा, आप ऐसे भी पढ़ करके एंगल आप निकाल सकेंगे। अब देखिए दोस्तों, माइनस यहाँ पर देखो साइन हो गया, अभी देखो पहले अभी साइन है कि कॉस क्या होगा, पहले इधर ध्यान दो। देखो यहाँ पर एन का मान क्या है, 12 है, 12 यानी 2 से कटने वाला, यानी इवन, यानी कि नो चेंजेस, यानी साइन को साइन ही रहने दो। और इसे मैंने लिख दिया 45 डिग्री। अब भैया ये साइन 45 प्लस होगा कि माइनस होगा, ये निकालने के लिए हमें ये देखना है कि भैया ये कहाँ किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। तो 12 है तो गिन लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 यानी कि चौथा क्वाड्रेंट कंप्लीट। उसके बाद 45 डिग्री बढ़ रहा है, यानी 45 डिग्री बढ़ेगा यानी क्वाड्रेंट 1 में आ जाएगा। तो 1 में मैंने अभी आपको बताया ना, ऑल पॉजिटिव क्या होता है बच्चों, ऑल पॉजिटिव होता है, यानी कोई भी नेगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ माइनस तो पहले से था ही, और साइन 45 प्लस का प्लस ही रह जाएगा। तो साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2। तो देखो आंसर हो गया -1/√2। क्लियर है दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों, इसे कर लो दोस्तों। एक क्वेश्चन आपको पक्का आरआरबी और एसएससी के एग्जाम में मिलेंगे, और इससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता दोस्तों, मैं ये आपको दावे के साथ कह सकता हूं। तो आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, ताकि आपको और अच्छे से मैं ज्ञान दे सकूं, समझा सकूं। तो चलो मेरे बच्चों आ जाओ, एकदम ध्यान भटकाना मत, ये आखिरी सवाल है, इसे अच्छे से कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 8 अगर मैं ले लूं कि 10 -585 डिग्री का मान आपसे पूछा गया है, पूछा जाए कि 10 -585 डिग्री क्या होगा। तो सबसे पहले भैया ये कंसेप्ट को देखो, कॉस्ट है 10 में क्या होता है, माइनस रहने से वो माइनस में ही आ जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो -10 585 डिग्री। क्लियर है, केवल कॉस, तो कॉस है तो सेक भी होगा, बाकी सभी क्या होंगे, नेगेटिव साइन अंदर है तो उसे बाहर ला देना, बाकी में सब कॉस में क्या होगा, सब प्लस हो जाएगा। तो देखो यहाँ माइनस है, 10 585 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 10 90 × 9 = 54, 540, और अगर मैं और 45 दे दूँ तो हो जाएगा 585। क्लियर है दोस्तों, तो देखो ये कितनी आसानी से हमने इसे लिख दिया। अब यहाँ पर देखो माइनस है, देखो 10 45, पहले ये देखो ये क्या है, 6 क्या है, n इज इवन, सम संख्या यानी नो चेंज, यानी कि 10 45 ही रह जाएगा, और ये पोर्शन आपका उड़ जाएगा दोस्तों। तो 10 45 हो गया। अब हमें देखना है इसका साइन, यहां हड़बड़ी कर देते हैं बच्चे, गलती हो जाती है, 10 45 बराबर देख लेते हैं क्या 1 हो गया, तो 1 बैठा के गलत कर देते हैं। मगर भैया मेरे एक लाइन जरूर देख लेना कि ये जो एंगल है ये वाला 10 -585, इस क्वाड्रेंट में वो किस में बिलोंग करता है, किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो देखो 6 घर गिनना है हमें, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, और उसके बाद 45 डिग्री यानी सेकंड क्वाड्रेंट यहां आपका खत्म हुआ दोस्तों, उसके बाद 45 डिग्री यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। तो भैया थर्ड क्वाड्रेंट में जब ये आ गया हमारा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो देखो यहाँ 10 है यानी कि ये पॉजिटिव होगा, यानी यहाँ नेगेटिव नहीं होगा। तो चलो मैं यहाँ प्लस लिख देता हूँ, अब बस कुछ नहीं करना, प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है, 10 45 का मान 1 होता है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर -1। क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये जो वीडियो आज जो ये मैंने बनाया है, बहुत ही ज़बरदस्त धांसू तरीके से बनाया है, आप सभी को पसंद आएगा। तो बच्चों अगर ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, अपने फ्रेंड सर्कल में इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, ताकि आपके साथ साथ और भी बच्चों का भला हो। क्योंकि दोस्तों रणभूमि चैनल का नाम ही है रणभूमि मैथ्स, हमें रणभूमि युद्ध के मैदान में डटे रहना है और हार नहीं मानना है, और उसमें मैं आपका साथ दूंगा कि आपको नौकरी जल्द से जल्द मिले। तो चलिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक फैलाएं। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, नए लॉजिक, नए ट्रिक, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।